अवसी मोहि पद पद पखारन कहू। आप अपने मुंह से तो कहिए कि मेरे चरण दो, मेरी गरज थोड़ी है कि मैं आपके चरण दो। महाराज, अगर आपको चरण धोने के लिए कहने में संकोच लगता है तो फिर एक तो और उपाय है। वो क्या? छोड़ दीजिए ये ढाल, थोड़ी दूर चलिए, मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ कमर तक जल है, आप तीनों आराम से पार हो जाइए। आइए, ना तो आपको चरण धुलवाने पड़ेंगे ना कोई और कष्ट करना पड़ेगा। बहुत चतुर हो तुम। भगवान राम के चरित्र की लक्षणता है कि वे स्वयं को नहीं बल्कि दूसरों को बड़ा बनाते हैं। यही तो है राम की सुंदरता, यही तो है राम का ज्ञान, और यही तो है राम का बल। महाराज, मैं जानता हूं कि आप करुणा सागर हैं, छोटों को बड़ा बनाना ही करुणा है, इसलिए मुझे न डरने की आवश्यकता है, न भक्ति की और ना ही साधना की। आप तो मुझे चरण धोने के लिए कहिए महाराज। भाई, तुम वही काम करो जिससे तुम्हारे नाव न जाए। अब क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रहे हो? महाराज, ये भाषा समझना मेरे बस की बात नहीं है, ज्ञानी तो हूं नहीं। सीधे सीधे कह दीजिए ना कि आप मेरे चरण दो। ठीक है भाई, ठीक है। कह रहा हूं, शीघ्रता से जल ले आओ, मेरे चरण धोकर मुझे पार उतार दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु। प्रभु की जय हो, जय हो प्रभु की। माँ गंगा थी सुन रही केवट प्रभु संवाद, मिले से श्री राम जी किस पुण्य का प्रसाद। परम भागी कर रहा ये कैसा व्यवहार, ब्रह्म खड़े हैं सामने बात न करे विचार। क्या कह रहे हैं प्रभु मेरे, सुनकर बातें हैरान हूं मैं। क्या इनको यह सब याद नहीं, इंसान नहीं भगवान हूं मैं। यदि ये होते भगवान सही इस तरह कभी न झुक जाते, बलि यज्ञ का वह जो था स्वरूप इस केवट को भी दिखलाते। प्रभु के उस रूप विराट से ही मैंने था अपना जन्म लिया, त्रैलोक्य को तीन पगों से था भगवान ने उस क्षण नाप लिया। मैंने सोचा था अब भगवान वैसा ही रूप बनाएंगे, मैं उनका दर्शन कर लूंगी, वे मुझे पार कर जाएंगे। क्या है ये कोई राजकुमार, केवट से इतना हार गए? ब्रह्मांड नाप सकने वाले कैसे करते व्यवहार नए? नाप दिया त्रय पदों में जिसने तीनों लोक, उस प्रभु को मुझसे न दी कैसे सकती रोक, कैसे सकती रोक। गंगा, मैं ब्रह्मांड को तो नाप सकता हूं परंतु भक्त के प्रेम को नहीं। यह केवट राजा बलि जैसा अहंकारी नहीं, मेरा भक्त है। मैं स्वीकार करता हूं कि यहां पर मेरी सामर्थ्य नहीं है, कि मैं
इस भक्त के प्रेम की सीमा को जान सकूं। आ गया, बस आ गया महाराज, बस आ गया। लाइए, तुम इस कठौते में मेरे पैर पखारोगे? मेरे पास ब्रह्मा का कमंडल नहीं है महाराज, यही है। और ये कहाँ का जल है? यही गंगा जल है महाराज। तो फिर क्या लाभ हुआ? गंगा तो सामने ही बह रही है, चलो वही पांव धो दो, क्योंकि यह जल तो उसी गंगा में जाएगा ना? नहीं महाराज, वो पुरानी गंगा है, उसने भगीरथ के पुरखों को तो तार दिया लेकिन हमारे पुरखों को नहीं तार पाई, इसलिए महाराज मैं ये कठौता लाया हूँ, इससे ऐसी नई गंगा बहाऊंगा जो मेरे पुरखों को तार दे। आज मिला अवसर मुझे लूपद कमल पखारी, सब अधिकार मिला मुझे, भय नहीं तनिक तुम्हार, धनी धनी भाग्य तुम्हार के बटे भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हार के बटे भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हार, धनी धनी भाग्य तुम्हार के बटे भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हार के बटे भाई, धनी धनी भाग्य तुम्हार। अब चले ना महाराज, इतनी जल्दी ना करिए। अब क्या हुआ? आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तनिक ये तो बताइए कि जब बहुत से यात्री हो तो जो पहले आया है उसे पार कराना चाहिए या जो बाद में आया है उसे? पहले वाले को पहले पार कराना चाहिए। तो तनिक रुकिए महाराज, पहले मैं उनको पार कराऊंगा जो ना जाने कब से प्रतीक्षा में है। महाराज आप प्रतीक्षा करिए, मैं अपने पितरों को पार करा कर आता हूं। बस प्रभु बस आ गया। शास्त्रों ने तो कहा है कि गंगा स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं, परंतु हमारे पितर तो गंगा में ही मछली मारने का पाप किए हैं, गंगा माता उनके पाप कैसे तार सकती थी?
केवट, जीव ही ईश्वर को पाने के लिए आतुर नहीं है, ईश्वर भी जीव को पाने के लिए उतना ही आतुर है। अब चले। ठहरिए प्रभु, अब क्या हुआ भाई? आप पैदल चलकर नाव तक जाएंगे तो फिर से चरणों में धूल नहीं लग जाएगी? तो मैं आपको ले चलूंगा महाराज। चढ़ा कन्हैया राम को नाव में दिया चढ़ाए, सीता लक्ष्मण गुह सभी चढ़े नाव में जाए, चढ़े नाव में जाए। आइए प्रभु, आइए माता, छोटे महाराज आइए, निषाद महाराज आप भी आइए। जय माता गंगे, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय। नेवरिया चली गंगुल में जाए, नेवरिया चली गंगुल में जाए, शीतल पवन झकुरा मारे भैया मंदिर जाए, भैया मंदिर जाए, शीतल पवन झकुरा मारे भैया मंदिर जाए, भैया मंदिर जाए। कैसी लीला, कैसी लीला है ये प्रभु की कोई समझ न पाए, नेवरिया चली गंग में जाए, नेवरिया चली गंग में जाए। नैया है मछदार, नैया है मछदार, अब तो प्रभु जी लिखे भैया, नैया है मछदार, नैया है मछदार, पार लगा दो, पार लगा दो हमरी नैया, थाम लो ये बदकार, देवरिया चली गंग में जाए, देवरिया चली गंग आज मैं धन्य हो गया प्रभु, आपकी कृपा मुझ पर हो, कोई भूल हुई हो तो क्षमा करिएगा। अरे केवट, ये उल्टी रीति कैसे? उल्टी रीति महाराज? हाँ, रीति तो यह है कि जब कोई आता है तब दंडवत किया जाता है, तुम तो जाते समय कर रहे हो। महाराज, दंडवत करने के बाद पूरी आज्ञा माननी पड़ती है। शुरू में इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आज्ञा मानने वाला नहीं था, अब मैं प्रभु को उतार चुका हूँ तो साष्टांग प्रणाम कर रहा हूँ। प्रिय हिय की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मना मुदित उतारी। लीजिए प्रभु, ये मुद्रिका केवट को दे दीजिए। ये लो केवट। ये क्या है महाराज? उतराई है केवट, ले लो। नाथ, आज मैं काह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा।
नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। ले लो केवट। नहीं महाराज, मेरे जीवन से आज सारे दोष मिट गए, सारे दुख मिट गए, दरिद्रता मिट गई। बस बस इससे अधिक मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसे रखे रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवट, तुम कहते हो कि आज तुम्हारे जीवन से दोष दुख और दरिद्रता मिट गई। कैसे कैसे मिट गई? तुम्हें उतराई तो लेनी ही पड़ेगी। नहीं महाराज, जाति भाई से कोई दाम लेता है भला? मैं तुम्हारा जाति भाई? कैसे? महाराज, मैं नदी पार कराता हूं और आप संसार सागर पार कराते हैं। आज मैंने आपको गंगा पार उतारा, आप मुझे कल संसार सागर से पार उतार दीजिएगा। गंगा सागर का केवट मैं और संसार सागर के केवट आप। देखो, ये सब छोड़, तुम्हें उतराई लेनी ही होगी। तुम मेरे ऊपर यह बोझ क्यों डाल रहे हो कि मैंने तुम्हें उतराई तक नहीं दी? यदि तुम हट करोगे तो मुझे भी हट करना होगा। यदि ऐसा है प्रभु प्रभु, तो फिर तिबार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। लौटते समय जो आप देंगे मैं उसे सिर पे धारण कर लूंगा। परंतु लौटते समय ही क्यों? महाराज, मैंने सुना है कि आप जिसको पार उतारते हैं उसका आना जाना ही बंद हो जाता है। ऐसा मैं नहीं चाहता। मैं तो चाहता हूं कि आपको पार उतारूं तो आपका आना जाना बना रहे प्रभु, बना रहे। तो केवट के इन वचनों से ही श्री रामचंद्र की जीत हुई। सहृदयता देखी जब उनकी, गहरी मद पंकज प्रीत हुई। तो केवट के प्रति भगवान राम की उदारता सुनकर वनांचल के कोल किरात सभी ने भीड़ लगाई। अगर वो साधना तपस्या वर्ण आदि दृष्टि से विचार करते तो भगवान राम के पास जाने की कल्पना तक न कर पाते। उनके मन में एक बात बैठ गई कि जो प्रभु केवट की ठेठ वाणी सुनकर भी उठे नहीं, वो जो जो कहता गया वो करते गए, तो हम लोग भी तो जो कहेंगे वो जरूर करेंगे। यह सिद्धि को प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। करहि जोहार भेंट धरियागे, प्रभु ही मिलो कहि अति अनुरागे। राम सनेह मदन सा
आगे प्रभु ही मिलो कहीं अति अनुरागे। और लोग तो फल लेने आते हैं पर ये जन तो फल देने आए हैं। आपसे सब कहते हैं पार उतार दो पार उतार दो, पर केवट ने तो आपको ही पार उतार दिया। बंधुओं, आपकी इच्छा यही थी ना कि मैं यहां पर किसी ऋषि मुनि के आश्रम में न ठहरूं, तो यहां इस वन में आकर ठहर गया, ठीक किया ना? हाँ महाराज। महाराज, बनवा आप अपना का कौनो संकट नहीं, हम अपना का रास्ता बताओ, तालाब पोखर और झरनाओ बताओ, ऋषि मुनि अपना का शिकार करावे थोड़ो ले जाई, हम ले जा। वेद वचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाए, वचन किरातन के सुनत जिमि पितु बालक मै। इतनी मीठी भाषा यह केवट और उसके भाई बंधु ही बोल सकते हैं। यह वन यात्रा का आरंभ है और मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अनुभव या गान सुनने का अवसर मिलेगा। लक्ष्मण, भक्तिमयी गंगा तट से ही वन का राज्य आरंभ होता है और यह केवट मेरे इस राज्य का प्रथम और सर्वोच्च नागरिक है। भ्राता, प्रथम और सर्वोच्च नागरिक? हाँ, सांसारिक सभी राज्य भय और लोभ से चलाए जाते हैं, परंतु इस वनवास के राज्य में ऐसा नहीं होगा। इस राज्य का सबसे ऊंचा नागरिक वह है